हलो फ्रेंड्स वनकम वेलकम टू माय चैनल मी एंड मॉम स्टार्स इनकी नम्बर चेनल एम्मा ओला मीन बज्जी से अभी नम्बर चेनल पुदसा पाकड़ा सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस पड़को अगर पोस्ट पड़े वीडियो उ नोटिफिकेशन वो वीडियो मिस् पड़ा पाकल इम्मा बज्जी से हलो वनकम इनकी नम्बर चेनल ओला मीन बज्जी पड़पे पात रसिची उड़ीचर अदमारी से वीटल सापड़ उड़ेंगे पांग इतना ओला मीन इतना वो क्लीन पड़ी वाश् पड़ी एचर इन बज्जी पड़ोद काटे पांग ना वाश् पीन इनकी कुछ पेरजीरक अर स्पून कार तूल अर स्पून मंज तूल अर स्पून साल सूमा लेसा पूंड अर स्पून अद मेल तूवी एला परटी वे पत् निषं और कल मण नेरमो ना ऊरा वा अदक बज्जी एटमना टेस्ट कुछ इला मिक्स पड़ी तनिया कुछ नर वो और कल मण नेर 50 मिनट वाले मिक्स पड़ी रेडी पड़ी वैचिटें इत को मण नेर ऊर्न पा 50 मिनट कहती एड़ अद नम्ब बजी मवले तुवि नम्ब एना टेस्ट कुला मिक्स पड़ोद अीन और रे सैडम और कीरल पटो अीरल पटना असाल ना ऐरी अल ना टेस्ट ना अंजु मीन कुछ कमिया पटर नहीं नया उवान मीन पड़ी अंत मीन के तारी मसाल साल पेरजीरक मंज तूल एल पटकल मीन ऊड़ टाइम नम्बर वीटल से बज्जी मावी एल वीटल रेडी पड़ी कड़ले पचरी पेरजीरक कार तूल साल वीटल से मिक्स पड़ी वो नंब व रेडी पड़ मीन के तारी इत नम्बर एतने स्पून अंजुन आर स्पूनो नम्बर देवान अल्पकूँ नहीं मीन एंरी अद्क तारी पउडर मसाल कल ना इंजुन पड़े ना रेडी पड़ी वचर मीन के अंजु मसाला पउडर पटर वे ना पड़ता है तनी मट ऊती ना दोस अल्व के कल्कल रोम तनी ऊतकूड़ा दिटा कुछ तनी ऊती नंब और वरल कलेक्टना बज्जी मेक मीन बज्जी ना रेडी पड़ी नोद ना मेमारी ईवनिंग टाइम टी இந்த மீன் பஜ்ஜியும் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பஜ்ஜி மாவு ரெடி ஆயிடுது மீனும் நமக்கு 15 மினிட்ஸ் ஊறிடுது इन आयिल मीन नाबदे मीन नॉन्वेज से एण वो कमिया ऊत ना मरबी अभी यूस आवाद ना कमिया ऊतर नहीं मारे ये कमिया आयिल मट कमिया ऊती से
முடிஞ்ச அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் எதுவுமே செய்யிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. கடலை எண்ணெய் நம்ம சாரகா நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவும் நல்லது. அந்த எண்ணெயை நீங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லதா இருக்கும். அதனால கடலை எண்ணெயை முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. எப்பவுமே அது பஜ்ஜி போடும்போது மீடியம்ல வெயிங்க கேஸ். ஃபாஸ்டா வெச்சோம்னா ரொம்ப கருகிடும். அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவுல வெச்சி இப்போ நான் ஒரு சைடு வெந்துடுது மறு சைடு திருப்பி போட போறேன் பாருங்க. பாருங்க எப்படி நல்லா முறுவல ஆயிடுச்சு பாருங்க. அதனால நம்ம சிம்மில் வச்சோம்னாக்கா கேஸை இது மாதிரி நல்லா இருக்கும் தீயாது. அப்படி நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு பெரிய மீனாக இருந்து பாத்திரம் சின்ன கடாயாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி அமைச்சு விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு அடுத்த சைடும் ரெண்டு சைடும் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இப்போ நல்லா வெந்துடுது பாருங்கள். நான் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி எல்லா மீனையும் அதே மாதிரியே போட்டு எடுத்துடணும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற மீன் எல்லாத்தையும் அந்த மாவில் ஆட் பண்ணி போட்டுருங்க. கோலா மீன் பஜ்ஜி ரெடி. சூடாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குது. இதை உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணுங்கள்.